शेर के खौफ से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल। 5 दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं लगा सुराग। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्याज की बंपर आवक से सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। राजस्थान में प्रमुख मंडी बंद होने से आवक का दबाव स्थानीय मंडी पर आ गया है, जिससे प्याज के भाव लगातार कम हो रहे हैं। पहले किसानों को प्याज का भाव 8 से 10 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। मंडी के बंपर आवक से प्याज के दाम 50 पैसे प्रति किलो आ गया है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को प्याज उत्पादन में लगा पैसा भी नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि किसानों को रुला रही प्याज। करनाल कौन से गांव? पाटीदार मथुरी। अभी प्याज के जो भाव गिरे हुए आ रहे हैं जी, क्या कारण समझ रहे हैं आप? किसानों को क्या परेशानी? परेशान साहब बहुत ही, मैं भी लेके गया था ट्राली मंडी आज, तो मतलब 400 रुपये बिकी, ये स्लिप भी उसकी मेरे पास, तो साहब 400 में कुछ भी नहीं मिलता है, घाटा पड़ रहा। मतलब क्या लागत क्या आती है प्याज की? लागत करीब 25,000 रुपये बीघा का जाता है, तो 4,000 मजदूर लेते हैं खाली चौपने के, 4,000 उखाड़ने के, 8,000 जो हो गए उसमें दवाई नींदना वगैरह खाद वगैरह पानी वगैरह सब मिला के 25,000 रुपये बीघा खर्चा आता है। ये मेरे परेशानी है, पानी की पिलाने की है, लाइट की है, सब समस्या है। मैं आज जैसे मैं 2 बीघे प्याज थी मेरे 50,000 के 30,000 रुपये हुए, 1600 रुपये किलो प्याज का बीज मिलता है। बताया है कि सारनी के जंगल अलावा बुधवार को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के राख बंधन के समीप शेर देखा गया है। यह शेर बाकुड़ और घोंगरी के गांव के बीच में घूम रहा था, जिसकी वजह से दोनों गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के 2 हाथियों को बुलाया गया है। क्षेत्र की स्थिति देखते हुए शाहपुर FDM के माध्यम से सारनी और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया। वाला रुकता आगे जहाँ से शहर रहता, तो इसको मतलब इतना एरिया में रहता है, तो थोड़ा सा प्यार से इसके पास तो चला जा, मुंह दिखा। चल जाना बाहर का, फिर रपटे के अंदर जाएगा, इसको जाने दो। सीधा जाएगा ये रपटे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.